नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। गठबंधन के हवाले से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि गुपकार गठबंधन एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां शुरू करता हुआ नजर आ रहा है। गुपकार गठबंधन ने फिर से अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी है। 24 अगस्त को होने जा रही है पीएजीडी की अहम बैठक और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गठबंधन के नेता मिलेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए गुपकार के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से यहां पर गतिविधियां तेज करती हुई गुप्कार गठबंधन देखने को मिल सकती है। 15 अगस्त को पीएजीडी की अहम बैठक हो सकती है, लेकिन इन बैठकों में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी ये देखने वाली बात है। इससे पहले भी अटकलें ये लगाई जा रही थी कि गुप्कार गठबंधन के अंदर लगातार मतभेद जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भी अपने सुर जो है वो सामने तरीके से रखे थे। लेकिन उसके साथ ही अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन अब आप देखिए कि गुप्कार गठबंधन के हवाले से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर अहम बैठक हो सकती है। 24 अगस्त को यह बैठक होगी और इस बैठक के अंदर कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे और कौन कौन से चर्चा मुद्दों को लेकर होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि अहम मुद्दे कौन से रहेंगे गुपकार गठबंधन के इस बार ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर अगर बातचीत होती है तो क्या कुछ पूरी रणनीति तैयार की जाएगी ये बहुत बड़ी बात है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, एक बार फिर से यहां पर गुपकार गठबंधन जो है वो राजनीतिक गतिविधियां तेज करता हुआ नजर आ रहा है और जो बताया गया है कि 24 अगस्त को अहम बैठक होगी, क्या लगता है कि कौन कौन से नेता यहां पर बैठक में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि आपसी मतभेद तो देखने को पहले से ही मिल रहा है। आशा, देखिए आज की इस पीएचईडी की मीटिंग की इंपॉर्टेंस दीगर मीटिंगों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में दावा किया है कि अब की बार न सिर्फ पीएचईडी के मेंबरान, जिसमें सीनियर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर शाह, जावेद मुस्तफा मीर, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, बल्कि दीगर सियासी लीडर जो हैं उनको भी दावतनामे इरसाल किए जा सकते हैं, जिसमें अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीएफ और दीगर छोटी बड़ी जमातें, अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद की और दीगर पार्टियों के लीडरों को भी दावतनामे दिए जा सकते हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड जो है नेशनल पार्टी। इसी तरह से चूंकि बीती मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ पीएचईडी के मेंबरान ही मीटिंग का हिस्सा रहे, लेकिन याद होगा आशा आपको कि कल अपनी पार्टियों की 19 जमातों की जो मीटिंग सोनिया गांधी ने चेयर की नई दिल्ली में, जिसके बाद उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल स्टेटहुड, स्टेट का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए और साफ शफाफ चुनाव के लिए बहुत जन जो है तारीखों का ऐलान किया जाए चाहे, और जेड के कार्डर जो बाहर के हैं उसके बारे में भी बात की गई है कि उन्हें हक दिया जाना चाहिए। उस मीटिंग के खत्म होने के बाद ये प्रेस रिलीज शाम को आई कि पीएचईडी ने अब अपनी मीटिंग तलब की। आशा, उस मीटिंग में जो अपोजिशन की मीटिंग है नई दिल्ली में हुई अपोजिशन जमातों की, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी वर्चुअल बोर्ड में उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत। इधर सजाद गनी लोन ने उस मीटिंग पर जबरदस्त तनकीद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद पार्लियामेंट को हादी इख्तियार है 35 से 370 पर बातचीत करने की। हालांकि सजाद गनी लोन ने दावा किया कि उस मीटिंग में ज्यादा चर्चा इस बात पर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर पीएचईडी की मीटिंग को इस मीटिंग से जो नई दिल्ली में हुई वर्चुअल मोड में 19 जमातों की अपोजिट जमातों की सोनिया गांधी की क्यादत में इंपॉर्टेंस बढ़ गई। जराए का अगर माने तो सोनिया गांधी चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द साफ शफाफ इंतखाबात के लिए रीजनल पार्टी। क्या लगता है तजम्मुल कि पूरा विपक्ष एक तरफ होकर भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने की कोशिश करेगा विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, जिसको लेकर ये रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि पहले यहाँ वर्चुअल मोड पर मीटिंग होती है और उसके बाद तलब कर दी जाती है गुपकार की मीटिंग? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है इस वक्त, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जरूरत है कि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। उसके रथ को रोकने की बात की है कश्मीर में, अभी उनका कितना स्टेक है वक्त बताएगा, लेकिन जिस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रही है और लगातार प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले के फसील से कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम खत्म करे और आवामी हुकूमत आवाम के हवाले की जाएगी, यानी इसमें खुदा ना खास्ता कोई है किसी नेशनल पार्टी को नुकसान या फायदे की नहीं सोचना होगा, बल्कि डेमोक्रेसिक सेटअप जो है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाएगा। आपका अपना विधायक होगा अपने इलाके में, हमारे अपने होंगे, चीफ मिनिस्टर होगा और मुख्तलिफ, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका अपना रोल होगा, उनकी अपनी पोजिशन का आईनी पोजिशन है। फिर उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में देखना पड़ेगा कि क्या रीजनल पार्टीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं वो इंतखाबात में प्री पोल अलायंस में जाएंगे या पोस्ट पोल अलायंस में जाएंगे, क्योंकि जाना तो है। हमने अमूमन देखा कि यहाँ
स्ट्रक्चर्ड मैंडेट मिलता है, वाजियत अक्सरियत जो है वो किसी पार्टी को जम्मू कश्मीर से काफी टाइम से नहीं मिली है, जिसका गालिबन इशारा पीडीपी कांग्रेस पीडीपी भारतीय जनता पार्टी पार्टी को बाद में नेशनल पार्टी के साथ मिलना पड़ता है। लेकिन तजमुल यहाँ पर जिस तरह से आपने भी बात कही है कि विधानसभा चुनाव अभी बहुत समय के बाद हैं, तो वो रथ को कैसे रोकेंगे वो बात की बात है, लेकिन तजमुल जब संसद के अंदर धारा 370 और 35 को संशोधित करने पर बातचीत हो रही थी, वहां पर अमित शाह ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर लेकर चलेंगे और उसके बाद राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। एक बात, दूसरी बात यहां पर यह है कि पीडीपी पार्टी जो इस वक्त पूरी तरह से बीच में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पीडीपी पार्टी की तरफ से एक बार भी ये बात नहीं कही गई है कि विकास को लेकर बात होगी। सबसे पहले धारा 370 को लेकर ही पीडीपी अपना कड़ा रुख इख्तियार करती नजर आई है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में अपना अपना मैनिफेस्टो पार्टी के अंदर होता है। पीडीपी का अगर आपने सलफ रूल बगौर देखा होगा और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर, महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखा होगा, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि सबसे ज्यादा विकास उनके वक्त में हुआ जब वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद हुआ करते थे और कांग्रेस के साथ अलायंस, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर की बात है। और विकास के बाद जब जम्मू में बीजेपी और पीडीपी साथ साथ रही, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा विकास वगैरह जो है वो पीडीपी और बीजेपी के दौर में हमने कोशिश की। जब विकास की बात आई तो उनके लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विकास दूसरी मरतबा दूसरे नंबर पे आता, पहले मरतबा पे पॉलिटिकल सब्सटेंस पॉलिटिकल डिस्कोर्स आते हैं। कहते हैं जम्मू कश्मीर में पीडीपी लगातार कहती आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैक करके आई कि आईन इख्तियार आईनी पोजीशनों को आप जिस वक्त अपने गोल पोस्ट चेंज करते हैं उस वक्त आवाम से पूछा जाना चाहिए था या असेंबली इन सेशन होना चाहिए था। पीडीपी बीजेपी से खफा सिर्फ यानी कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कि जो 24 अगस्त को बैठक होने वाली है उसमें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठक होती है, वर्चुअल मोड पर होती है और विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो जाता है, उसके बाद यहां बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि एकजुट विपक्ष जो है वो पूरी तरह से होता हुआ तजमुल नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजमुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर रणनीति आगे की तैयार की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि वर्चुअल मोड पर बैठक होती है और उसके बाद यहां पर 24 अगस्त का दिन डिक्लेयर कर दिया जाता है कि गुपकार गठबंधन यहां पर बैठक करेगा, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर करेगा यह भी तजमुल ने यहां पर साझा किए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि गुपकार गठबंधन कब तक साथ होकर काम करेगा, क्योंकि डीडीसी चुनाव तो यहां पर सबने देखे हैं जहां पर गुपकार गठबंधन ने एक साथ काम किया, लेकिन उसके बाद ही किस तरह से यहां माथापाची देखी गई और साथ ही साथ एक दूसरे के खिलाफ यहां बगावी सुर जो है वो देखने को मिले थे। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कठुआ लिए चलते हैं, क्योंकि कठुआ से भी एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए कठुआ के अंदर से भी ज्यादातर किस तरह से खबरें जो है वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। लगातार ऑयल टैंकर का मामला पूरी तरह से यहां पर सामने आ रहा है और साथ ही आपको देखते चले कि ऑयल टैंकर में पशु तस्करी की एक और बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया है। लखनपुर में पुलिस ने ऑयल टैंकर से बरामद किए गए हैं यहां 13 मवेशी और पुलिस को चकमा देकर ये फरार होने की कोशिश में थे, लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया और पुलिस ने टैंकर में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि प्रवेश द्वार जो कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है और यहां पर हर दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश तस्करों की तरफ से भी होती है, और अगर हम बात करें यहां पर सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जाती है, लेकिन ऑयल टैंकर में पशु तस्करी की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है कठुआ पुलिस की तरफ से। और लखनपुर में पुलिस ने ऑयल टैंकर से 13 मवेशी बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस को चकमा देकर ये तस्कर यहां से फरार होने की कोशिश में थे, लेकिन जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया गया है और पुलिस ने टैंकर में सवार दो लोगों को भी गिरफ्तार कर दिया। जाहिर तरीके से ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से सामने आया हो, लेकिन हर बार यहां कठुआ पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता हुआ नजर आया था कि आखिर यहां पर किस तरह से नाके जो है वो लगाए गए हैं, चेकिंग किस तरह से हो रही है और ये सारा काम जो है वो क्यों होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त बड़ी अपडेट और बड़ी सफलता जो है वो कठुआ पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर 13 मवेशियों को बरामद कर लिया गया है। टैंकर में ये लेकर जाने की फिराक में थे तस्कर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि जिस तरह से अब तस्कर अपना दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर नकेले कसना बहुत जरूरी है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों लोगों से पूरी तरह से पूछताछ करने की भी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब भी पशु तस्करी का मामला या फिर किसी भी तरह
कि इन्फिल्ट्रेशन यहां पर होती है, तो अगर गिरफ्तारी होती है तो पूछताछ होती है, लेकिन ऐसे लोगों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक टैंकर के अंदर आप देखिए किस तरह से उसे कट किया गया है, उसका दरवाजा बनाया गया है और कैसे इसके अंदर पशु जो है वो भरे गए हैं। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, ये बताइए कि जिस तरह से प्रवेश द्वार लखनपुर, पहले कई बार यहां सवालिया निशान भी खड़े होते हुए नजर आए कि आखिर लखनपुर में चेकिंग अभियान किस तरह से चल रहा है, लेकिन आज बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। क्या कुछ पूछताछ हो रही है अब आगे? हाँ जी बिल्कुल, आज भी ये लखनपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल की है और मवेशियों की तस्करियों के खिलाफ यहाँ पर अभियान जिस तरह से कठुआ पुलिस ने छेड़ा हुआ है, आज भी 13 मवेशियों को लखनपुर पुलिस ने यहाँ पर मुक्त करवाते हुए तस्करों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। आपको बता कि तरह तरह के हथकंडे जो है ये तस्कर अपना रहे हैं, कभी छूट गाड़ियों में, कभी गाड़ियों में बंद कंटेनर, जिस तरह से आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ऑयल टैंकर में प्रवेशित की बड़ा प्रयास व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, इसको लखनपुर पुलिस जो थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर सुमित शर्मा उनकी टीम द्वारा लखनपुर टोल प्लाजा के करीब नाका हुआ था। और जैसे ही गाड़ी जो है पंजाब की सीमा से जम्मू कश्मीर की सीमा से एंटर हुई है, तो जब जांच के लिए इस गाड़ी को रोका गया तो इस चालक ने यह दर्शाया कि गाड़ी इलीगल ऑयल लोडेड है, लेकिन जब शक किया था गाड़ी की तलाशी ली गई, इसमें 13 मवेशी जो है वो सरबजीत, यहाँ पर सवाल ये है कि हर वक्त मीडिया की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं, लोगों की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं कि आखिर यहाँ पर व्हीकल जो स्कैनर है वो क्यों नहीं लगाया गया? वो लगाना बहुत जरूरी था कि जैसे ही प्रवेश द्वार के अंदर आप एंटर करते हैं तो वहां पर अगर आपकी गाड़ी स्कैन होती है तो जाहिर तरीके से उसी वक्त यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और कई बार ये नाका क्रॉस कर सांबा तक भी पहुंच चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया स्कैनर का, तो अगर स्कैनर की अगर बात करें तो जब यहाँ पर टोल प्लाजा एक्साइज डिपार्टमेंट के पास था तब ये प्रावधान था कि यहाँ पर स्कैनर लगाए जाएंगे ताकि कोई भी ऐसी जो बैंड आइटम है वो जम्मू कश्मीर में एंटर ना हो, किसी तरह की तस्करी का प्रयास जम्मू कश्मीर में ना किया जाए। लेकिन जब से एक्साइज की टोल प्लाजा पर डिमोलिश किया गया उसके बाद उस स्कैनर वो भी अतर में लग चुकी है, लेकिन दूर यहाँ पर स्कैनर होने चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी तस्करी का प्रयास हो। लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी तरफ से कोई खुलासा किया गया? जी, एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पूछताछ की जा रही है आखिर रीजन क्या है, कहां से ये खरीद हुई है और कहां से आना है, किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उन पर भी पुलिस जो है पकड़ करेगी, क्योंकि दो लोग जो इस गाड़ी में सवार थे जिनको तस्कर बताया जा रहा है दोनों को लखनपुर पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। सरबजीत बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से यहां पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, आगे की पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बॉडी स्कैनर लगाना यानी व्हीकल स्कैनर लगाना बहुत जरूरी है, जिसे होम मिनिस्ट्री के अंदर रिकमेंड भी किया गया था, रिक्वेस्ट भी डाली गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको त्राल लिए चलते हैं क्योंकि त्राल से भी बड़ी घटना जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि त्राल मुठभेड़ में मारा गया भाजपा नेता राकेश पंडिता का हत्यारा, क्योंकि जिस हत्यारे ने यहां पर राकेश पंडिता की हत्या की थी आज उसका काम तमाम कर दिया गया है, और जैश ए मोहम्मद के आतंकी वकील शाह को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया है, और साउथ कश्मीर में 24 घंटे में 2 मुठभेड़ों में मारे गए हैं जैश के 5 आतंकी। इस वक्त की बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगती हुई नजर आ रही है, जहां पर त्राल मुठभेड़ में भाजपा नेता राकेश पंडिता का हथियारा ढेर कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी वकील शाह को सुरक्षा बलों ने यहां पर ठिकाने लगा दिया है। जाहिर तरीके से आप देखिए एक एक करके किस तरह से आतंकियों को यहां पर मौत के घाट उतारा जा रहा है, और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। साउथ कश्मीर में 24 घंटों में 2 मुठभेड़ में जैश के 5 आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए आतंकी किस तरह से गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सफलता यहां पर यह देखिए कि त्राल के अंदर किस तरह से राकेश पंडिता की पहले हत्या होती है और आज उसके हथियारे को भी मार गिराया गया है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, और सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह बड़ी चेतावनी आतंकियों को जारी कर दी गई थी कि जिस तरह से वो यहां गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फिराक में है, तो एक एक करके खात्मा होना तय है, जिसकी शुरुआत लगातार कर दी गई है। फिदा हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, अपडेट बता दीजिए इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। क्योंकि अगर हम दक्षिण कश्मीर के त्राल के जंगल इलाकों की बात करेंगे, और जंगल इलाकों में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली कि वहां पर कुछ मिलिटेंट मौजूद है,
अध्यक्ष मोहम्मद थे, उसमें से राकेश पंडिता थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, उसमें हत्यारे थे, वो इस मुठभेड़ में हलाक हुए हैं। इस तरह से इस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। कल की बात करिए, कल तरह से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। इराक में देखा जाए तो 36 घंटों के भीतर 5 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस खुद कहती हुई नजर आ रही है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने इन चीजों का भी खुलासा किया कि जो राकेश पंडिता है और उनके पास से क्या क्या हथियार मिले हैं, 2 AK-47 और एक हथियार, यानी कि ये जंगलों के भीतर तो मौजूद थे जब वहां पर सेना को एक खबर मिली। फिदा, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही आतंकियों की तरफ से, राकेश पंडिता की भी हत्या आतंकियों की तरफ से ही की गई थी, लेकिन आज जिस तरह से सफलता हाथ लगी है तो कहीं ना कहीं जिस तरह कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता हुआ नजर आ रहा था, आज उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्योंकि एक एक करके सुरक्षा बल अब आतंकियों का खात्मा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं की आपने प्रश्न किया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से आज खुलासा किया गया है उसमें कि जो राकेश पंडिता है उसका के पीछे उस मिलिटेंट का हाथ है और उस मिलिटेंट को आज हलाक किया गया है, ये कह रहा है आप। लेकिन जिस तरह से देखा, जो आपने प्रश्न किया, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल तो जरूर बढ़ेगा जी आशा। लेकिन फिदा, जिस तरह से जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा लगातार ग्रुप जो हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, इन पर अकेले भी कसी जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये समझाइए कि जिस तरह मुठभेड़ चल रही थी और अभी तक 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, क्या लगता है कि और भी आतंकी वहां पर मौजूद? देखिए, जंगलों के भीतर था, यानी और जब सिक्योरिटी फोर्सेस में खबर मिली वो देखने को मिली के आधार ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन में तड़के फोर्सेस को मिलिट्री को नजर पड़ी, मिलिट्री को सिक्योरिटी फोर्सेस भी सामना सामना हुआ, सामने सामने में वो इसमें हलाक हुए और कहीं ना कहीं पर देखा जाए के भीतर ये दूसरा ऑपरेशन था और ये 2 ऑपरेशन में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और बड़ी सफलता हाथ लगी। बहुत बहुत धन्यवाद फिदा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं साउथ कश्मीर के अंदर 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, राकेश पंडिता का हथियारा भी अब सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे क्योंकि जिला सांबा से भी बड़ी अपडेट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के हकों को लेकर बातचीत करना बहुत जरूरी है, जहां पर लोगों को काफी समस्याएं भी झेलनी पड़ रही थी लेकिन सांबा में आजादी के 75 साल बाद भी यहां पिछड़ेपन का शिकार हुआ है सांबा नट ब्लॉक, और कई सरकारें आई हैं, कई चली गई हैं लेकिन अभी तक अपने दावों को पूरा करती हुई नजर नहीं आई हैं। और साथ ही साथ बैक टू विलेज प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो जाहिर तरीके से यहां पर भी काम नहीं हुआ है क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम जब शुरू किया गया था उस वक्त भी जम्मू कश्मीर प्रशासन सड़कों पर उतरा था, आम लोगों से बातचीत हुई, ग्राउंड तक पहुंचे, लेकिन लोगों का आरोप यह था कि बैक टू विलेज में जो दावे किए गए वो भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे नहीं किए हैं। अधिकारियों को समस्याएं गिनाने के बावजूद भी कोई राहत यहां लोगों को नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से, जहां आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़ेपन का शिकार सांबा नट ब्लॉक दिखाई दे रहा है, आम लोग काफी तरीके से यहां परेशान देखे जा रहे हैं, सड़क बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा गया है। और अगर बात की जाए नट की तो जाहिर तरीके से आप देखिए 75 साल बाद भी ये पिछड़ेपन का शिकार है, आज तक यहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया गया है और लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जाहिर तरीके से जो बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया था उसमें जिन दावों को सामने रखा गया था, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन के लोग ग्राउंड तक पहुंचे, लोगों से मिलना हुआ, आपसी तालमेल मिटाने की कोशिश हुई लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्याएं आम लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत सामने रखी थी उन पर कहीं ना कहीं काम होता हुआ नजर नहीं आया। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से जो बड़े बड़े दावे हेंके जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है या ग्राउंड पर उतर कर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जमीनी सतह पर जब आप पहुंचते हैं वहां पर आपको सच्चाई देखने को मिलती है कि आखिर आम लोग किस तरह से अपनी जिंदगी यहां पर बसर कर रहे हैं। नट ब्लॉक की बात चल रही है जहां पर पिछड़ेपन के शिकार हो रहे हैं लोग और काफी समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक बार फिर से बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो सवालिया निशान के घेरे के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से जो दावे पेश किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फिसड़े साबित हुए हैं।
बिल्कुल जो बैक टू विलेज के कार्यक्रम चलाए गए थे पूरे कोई भी फायदा होता है वो नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब एलजी नई मुहिम रुकी है कि जनसंपर्क किया जाए, यानी हर एक दूर दराज इलाके में पहुंचा जाए, जिसको लेकर अलग अलग जिला के जो जिला उपायुक्त है डीसी है उनको ये दिशा निर्देश है कि आप लोग जनता के बीच में जाइए, उनकी दिक्कतों को परेशानियों को सुनिए। उसी को लेकर अगर नेट ब्लॉक की बात करें तो नेट ब्लॉक ये जो पहाड़ी इलाका है और लगभग 30,000 से ज्यादा ही है वंचित है आजादी के। हम 75 वर्ष मना रहे लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी भी लोग ऋषि क्या लगता है कि जनता दरबार लगाना, लोगों की गुहार सुनना ये काफी नहीं है और प्रशासन के नुमाइंदे का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि आप गए हैं एक का पेन लेकर पहुंच गए हैं, रजिस्टर लेकर पहुंच गए हैं और वहां से नोट डाउन कर आप वापस पहुंच गए हैं, उस पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक काम नहीं होगा तो वो पेन और कागज का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जो अगर ग्राउंड पर अधिकारी नहीं उतरेंगे तो किस तरह से पता लगेगा कि लोगों को क्या दिक्कत है। लोगों ने यहाँ पर अपनी दिक्कतें गिनवाई है, मैं अभी भी जनता दरबार में मौजूद हूँ। यहाँ पर रोड बिजली पानी की समस्या तो लगातार बताई जा रही है, यहाँ पर शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी कई ऐसे दूर दराज इलाकों में ऐसे स्कूल है यहाँ पर टीचर्स की इतनी ज्यादा कमी है और अगर टीचर्स की वहां पर तैनाती की गई है तो वो टीचर्स ने वहां से या तो अपने ट्रांसफर करवा लिए या अटैच हो चुके हैं, तो ये बड़ी दिक्कत है। यानी एजुकेशन किस तरह से सिस्टम ठीक हो पाएगा ये भी भगवान के भरोसे आप देख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, खासतौर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो ये दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आज के आधुनिक युग में भी शहरों के साथ इन लोगों का संपर्क नहीं बन पाता है, तो ये तमाम ऐसी दिक्कत है जिसको लेकर डीसी राधा गुप्ता भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और उनको कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे जो लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जितने भी अलग अलग। क्या समय सीमा रखी गई है ऋषि, अगर कड़े निर्देश दिए गए हैं तो कितने समय के अंदर अंदर ये पूरा होना चाहिए काम, क्या बताया गया डीसी की तरफ से? देखिए इसमें हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि कुछ अधिकारी तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हम आज शाम को इन सारे मुश्किलों का हल करते हैं, यानी अगर जनता दरबार में ये दिक्कतें गिनवाई जा रही है तो जब जनता इनके पास पहुंचती है अधिकारी के पास तो उनके साथ क्यों आश्वासन दिए जाते हैं, क्यों ये कहा जाता है कि हम आज शाम को कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन अब डीसी मैम यहाँ पर आए हैं तो उनके सामने ये कहा जा रहा है कि हम आज शाम को ही इन दिक्कतों का हल कर देंगे, यानी कुछ समय मांगा जा रहा है, कुछ वक्त मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सीरियसपन नहीं दिख रहा, साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर सीरियसपन दिखाई दिया होता तो शायद ये जो दिक्कतें तो ऋषि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और जो जो यहाँ पर अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि शाम तक पूरा काम कर देंगे तो एक बार रिपोर्टिंग कीजिए वहाँ पर, उनसे बातचीत कीजिए शाम के समय में, देखिए कितना काम उन्होंने किया है, क्योंकि अब इन लोगों के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है क्योंकि आम लोगों की समस्याओं को सामने रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आशा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि डीसी मैडम बाहर आते हैं तो उनसे कुछ दो चार सवाल पूछे जाए कि नट ब्लॉक की अगर बात करें तो ये ऐसा इलाका है यहाँ पर जो गाड़ियां श्रीनगर की हो जाती है, ये बाईपास रोड है, यहाँ पर एक अस्पताल का इतना बड़ा इशू बना हुआ है कि रात के समय में उस अस्पताल को प्राइमरी सेंटर को ताला लगा होता है, यहाँ के लोग पंच सरपंच ये यहाँ अधिकारियों से कहते हुए लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर बीएमओ ऑफिस है, बीएमओ भी इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे कि रात में अस्पताल बंद रहता है, ताले लगते हैं, किसी को कोई तकलीफ हो रही, किसी को कोई इंजरी हो जाती है, उसके पीछे की वजह क्या है, वजह जानने की कोशिश की गई ऋषि? देखिए मैं वजह आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्राइमरी सेंटर है और आबादी काफी ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा आबादी है तो प्राइमरी सेंटर में स्टाफ की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, ये इसको लेकर भी मैडम ने आश्वासन दिया कि स्टाफ यहाँ पर पूरा किया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी ये बात रखी जाएगी और बड़ा इसमें ये संज्ञान लेने की जरूरत है कि रात को इस अस्पताल को खुला रखें क्योंकि मैक्सिमम तौर पर यहाँ पर ताला लगा होता है और कई बार जो लोग अपनी तकलीफें लेकर दिक्कतें लेकर यहाँ पर आते हैं तो खुद ताला तोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन खैर ताला तोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है अगर नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर बनी हुई, यानी कि नट ब्लॉक की ओवरऑल मैं सिचुएशन आपको बताऊं, रोड बिजली पानी की समस्या और बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ सेक्टर में लगातार काम करने की जरूरत है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं और यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं, यानी आज की आजादी के बाद ये ब्लॉक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से ये मुहिम एलजी प्रशासन द्वारा चलाई गई है और इस पर डीसी किस तरह से काम करते हैं और अधिकारियों को किस तरह से निर्देश देते हैं और कितना जमीनी सतह पर काम होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं शायद ऐसा ना हो कि जिस तरह से बैक टू विलेज प्रोग्राम के कई चरण हो चुके हैं ऋषि और उसके बाद यहाँ पर उपराज्यपाल खुद जमीन पर उतरे थे, लोगों से रूबरू भी हुए थे, कई जगहों पर उन्होंने उद्घाटन भी किए थे, लेकिन वहां पर भी आज के समय में काम लंबित ही पड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए ऋषि। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि सांबा ब्लॉक में किस तरह से सांबा के अंदर की अगर नट ब्लॉक की बात करें तो वहां पर जनता दरबार लगाया गया है, बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, लेकिन मात्र सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज शाम तक ही काम हो जाएंगे, लेकिन देखना यह होगा
होगा कि क्या वाकई में ये शाम तक काम होते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं इस पर काम करना बहुत जरूरी है। बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा गया है और जाहिर तरीके से इस पर अब ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सांबा में आपने देखा कि किस तरह से यहां पर काम होता हुआ नजर आया है, लोग पूरी तरह से बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंदर पहुंच तो रहे हैं, सरकार की तरफ से दावे भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।